अगर आप एजुकेशन को दें, एजुकेशन भी हमारी इस दफ़ा जो है इनकी ग्रोथ कोई 11% है एजुकेशन की टोटल बजट में, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 17% है, और ये तीनों जो हैं सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त जो है अवाम के साथ है, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है। एजुकेशन सेक्टर में कोई तकरीबन 19 बॉयज़ इंटर कॉलेज वो हमने अपग्रेड कर दिए हैं, 19 गर्ल्स इंटर कॉलेज हमने अपग्रेड कर दिए हैं। इसमें ना सिर्फ हमने इनको अपग्रेड किया बल्कि इनकी जितनी भी ज़रूरियात थी वो सारी हमने पूरी कर दी हैं, ताकि एक जो है क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर दी जा सके और वो अपनी ज़रूरतों को जो है उधर कॉलेज लेवल पर पूरी कर सकें। इसी तरह कुछ 100 स्कूल हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम उनको मॉडल स्कूल बनाएंगे, जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं लैब की, साइंस लेबॉरेटरी की, लाइब्रेरी, जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरी करके देंगे ताकि क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर इंश्योर हो। 59 के करीब प्राइमरी स्कूल जो हैं उनको मिडल कर रहे हैं, और 53 के करीब जो हाई स्कूल हैं मिडल स्कूल हैं उनको हाई स्कूल किया जा रहा है, और 53 जो हैं हायर सेकेंडरी स्कूल जो हैं हम बना रहे हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा हम इनिशिएटिव प्रोग्राम जो हम ला रहे हैं, एक तो आपको लोकस्ट के हवाले से हमने 50 करोड़ रुपए इस दफ़ा इन्वेस्ट किए हैं, इसके अलावा जो हमारी फील्ड असिस्टेंट हैं उनके लिए उनको हम मोटरसाइकिल फराहम करेंगे, जो अफसरान हैं उनको गाड़ियाँ फराहम करेंगे ताकि वो फील्ड में जा सकें, और एक प्रोग्राम है जो फेडरल गवर्नमेंट का नाली तालाब का, उसमें जो 50% फेडरल जो बेनिफिशियरी है जो काश्तकार है उसकी शराकतदारी है, बाकी फेडरल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, वो सॉरी 25% वो 25% सूबाई गवर्नमेंट ख़ुद बियर करेगी, और ये जो काश्तकार के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। इसके साथ जो हमारी PSDP कंपोनेंट है, पिछले साल मैं आपको बताता चलूँ एक चीज़ मैं आपको और शेयर करना भूल गया कि हमने इस दफ़ा जो सप्लीमेंट्री बजट लाया है, सप्लीमेंट्री बजट वो होता है कि आप पूरे साल में जो आपकी रनिंग एक्सपेंडिचर होती हैं जहाँ जहाँ पे आप गवर्नमेंट समझती है कि उनको बजटेड अमाउंट के अलावा कोई एक्सपेंडिचर करनी पड़ती है ताकि वो कर ले, उसमें इमरजेंसी और बाकी चीज़ें। इस दफ़ा कोविड आया था, हमने राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने और भी इनिशिएटिव लिए PDMA के तवज्जो से, फिर भी हमने इसको मैनेज किया तो 20 अरब तक ले आए। पिछले साल जो 2018-19 को वो कोई 27 अरब था, इससे पिछले साल 17-18 की बजट में कोई 57 बिलियन था, लेकिन इस दफ़ा चूँकि एक अच्छी फिस्कल मैनेजमेंट और फिस्कल पॉलिसी जो हमने इंट्रोड्यूस कराया है सूबे में, उसकी वजह से जो सप्लीमेंट्री बजट है वो सबसे ज़्यादा कम आया है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि PSDP कंपोनेंट पे जो हमने रिलीजेस किए हैं, आप पिछले कई सालों से लें कोई 75 बिलियन हमने जो है रिलीज़ कर दिए हैं, और हर जगह पे काम हो रहा है और यूटिलाइजेशन जो है मैक्सिमम हुई है, कोई 1500 के करीब हमने स्कीमात जो हैं पिछले साल मुकम्मल कर दिए हैं। अभी इस साल ये सारी बजटरी कंस्ट्रेंट के अलावा हमारी ये कोशिश रही है कि हम अपनी डेवलपमेंट पे किसी तरह जो है कोई कट ना लगाएं। कोई 106 अरब की हमने PSDP बनाई है जिसमें 1634 जिनकी जो लागत है कोई 56 अरब की हैं, ये नई स्कीमात हैं, और 934 पुरानी स्कीमात हैं, और इनको जो 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 नई स्कीमात हैं इनके लिए एलोकेशन हमने 56 बिलियन रखा है। जो पुरानी स्कीमात हैं चूँकि वो भी कवर करनी होती हैं, वो भी बर वक्त मुकम्मल करनी होती हैं, उनके लिए हमने कोई 50 अरब रुपए रखे हैं। इसी तरह हमारी कोशिश ये रही है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी ले आएँ, और जितने भी सेक्टर वाइज एलोकेशन है वो भी हमने PSDP के हवाले से जो है हमने चेक किए हैं, और हमारी कोशिश रही है कि जी कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई ऐसा एरिया कोई डेवलपमेंट के हवाले से पीछे ना रह जाए, और उसमें हमने बेस्ट से बेस्ट डिलिब्रेशन की है, और हमने कोशिश यही की है कि हम जो है उसको बेहतर तरीके से जो है हमारी एलोकेशन वहाँ पे PSDP में हो, और बेहतर तरीके से जो हमारी स्कीमात हैं वो हम जो हैं कर सकें। अब फाइनेंस बिल के हवाले से मैं आता हूँ। इस दफ़ा पहली बार हमने ये किया है कि हम पब्लिक फाइनेंस
मैनेजमेंट एक्ट सूबे में ला रहे हैं, फाइनेंस में, फाइनेंस बिल में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। आपको पता है कि सूबे की जो डेवलपमेंट हमेशा से रही है वो डिट्रैक्ट किस्म की रही है, ना फिस्कल मैनेजमेंट भी इतनी अच्छी नहीं रही है। उसको सिस्टमेटिक बनाने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए हमने इस दफ़ा इस एक्ट मंजूर किए, जिसका जो है दूरस नतज होंगे हमारी डेवलपमेंट पे और नॉन डेवलपमेंट पे। हमारी डेवलपमेंट जो डिट्रैक्ट थी, लोग, आपको पता है कि पिछले अदवार में जो है न किसी स्कीम का सर्प होता था, न फेर होता था, आखिरी रात में जाके यूएसबी के ज़रिए वो डलवाई जाती थी। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद हमारी जो जितनी भी डेवलपमेंट पैटर्न है सूबे की वो बेहतर हो जाएगी, वो जो डेवलपमेंट हमारा जो सेक्टर है पीएचडीपी है वो ट्रैक पे आ जाएगी, और अब हमारी एक हर स्कीम जो पीएचडीपी में शामिल होगी वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के ज़रिए और प्रॉपर एक स्टडी के ज़रिए होगी। फेडरल गवर्नमेंट ने इसको पिछले साल अपने बजट में इनकॉर्पोरेट किया था और बाकी सूबों ने अभी नहीं किया, और हमने जो है इस दफ़ा अपने बजट में कर लिया है। दूसरा, हमने जो एक और एक्ट को अमेंड कर रहे हैं वो बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी का एक्ट है। हमने काफ़ी डिलिब्रेशन किए, काफ़ी सोच विचार किए कि जो हमारी फेडरल ट्रांसफ़र है, जो हमारी ड्यूटीफुल पूल में शेयर है, इसमें हम इसका जो नॉन डेवलपमेंट का साइज़ है आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है, हमारे सूबे की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, तो हमने कहा है कि हम जो हैं एक हमारा जो BRA है इसको रिफॉर्म करें और अपनी रिसोर्स को जो है हम मज़ीद बढ़ाते जाएँ। तो इसमें जहाँ जहाँ हमने ज़रूरत महसूस की है कि हम इसको, इसके एक्ट को अमेंड करें, इस वो भी फाइनेंस बिल में इनकॉर्पोरेट है। अब मैं सेक्रेटरी फाइनेंस और ACS साहब बैठे हुए हैं, उनसे दरख्वास्त करूँ कि आपसे मज़ीद जो हैं नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के हवाले से आपको शेयर करें। देखें, अच्छी गवर्नमेंट वो होती है जो अपने अखराजात को कम करती है और लोगों पे जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, डेवलपमेंट ज़्यादा कर लेती है। जो नॉन डेवलपमेंट था उसमें हम, मैंने आपको एक सारा डिटेल दे दिया। पिछले साल भी हमने इसको अच्छा खासा कर्टेल किया था, उसकी हमने जो साइज़ थी 419 बिलियन से जो है हमने 380 बिलियन पे ले आए। 47 बिलियन का हमारा डिफिसिट था, उसको भी हमने कवर कर लिया। इस साल भी हमारी एक कोशिश ये है कि हम जो है नॉन डेवलपमेंट को मैनेज कर सकें, उसको हम बेहतर बना सकें, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो ये जो रवां साल है, आने वाला साल है, ये इसमें आप मज़ीद बेहतरी आएगी। देखिए, हमने फेडरल गवर्नमेंट पे वाज़ह किया है कि ये सूबा जो बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का 44% है, इसको उनकी इंटरवेंशन के बग़ैर इसको तरक्की देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। उस वक्त ये सूबा तरक्की करेगा जब हम यहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें बनाएंगे, जब हम यहाँ पे बड़े बड़े डैम्स बनाएंगे, और हम जो हैं बाकी लोगों की जो हैं ज़रूरतों को पूरी करेंगे। चूँकि इस दफ़ा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने पास किया था, तो उसकी वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा स्कीमें जो हैं अनअप्रूव थी। वज़ीर आला साहब ने, मैं ख़ुद वहाँ पर गया, हमने उनसे बात की, उन्होंने तकरीबन ज़्यादातर हमारी स्कीमें जो हैं अप्रूव कर दी हैं CWP फोरम से, जिसमें उषा पवारान रोड है कोई 149 किलोमीटर का, कोई 25 बिलियन का, इसी तरह बेला जाऊ रोड है आपका जो है, नौलंग डैम है, नोकंडी माशखेल रोड है, क्वेटा वेस्टर्न बाईपास है, डेरा मुला जमाली का बाईपास है, ज़्यारत ड्यूलाइजेशन है, इसी तरह दुक्की चमालांग रोड है, काफ़ी ज़्यादा सड़कें जो है हमारी इसने अप्रूव कर दी हैं, और 2 के करीब नई सड़कें डाली हैं। लेकिन चूँकि हमें वफाक के साथ हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि आप जो हैं बलूचिस्तान को, इसकी आबादी को, इसकी जो है पसमानदगी को, और इसकी साइज़ को, रकबे को देखकर, इसकी ज़रूरतों को देखकर वफाकी PSDP में उसी मुताबिक आप फंड्स रखें। इस दफ़ा उन्होंने कोई 83 बिलियन एलोकेशन रखी है, जो काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का मौक़िफ़ यह था कि जी आप हमें कोई नई स्कीमें दे दें जिसमें हम जो हैं बड़ी बड़ी सड़कों को जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। आखिर में वो खैर नहीं कर सके, इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब से, वज़ीराला साहब ने बात की है और कुछ स्कीमात की लिस्टें दे दी हैं कि आप मेहरबानी करें हमारे लिए इस जो आने वाले साल में, ड्यूरिंग करंट ईयर, आप हमें ये स्कीमात जो हैं वो हमारी मंजूर करके हमें दे दें। तो उनके साथ बातचीत हमारी जारी है, कोई एस सच इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ है कि हम फौरन जो है उनके साथ नाराज़गी का इजहार करें और अलाइदगी की बात करें। चूँकि फेडरल गवर्नमेंट भी मुश्किलात का शिकार है, उनके भी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और हम भी जो है यहाँ पे मुश्किलात का शिकार है, और हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से
कई बार कहा है, वो बहुत पॉजिटिव हैं, उन्होंने बलूचिस्तान की बात सुनी और वो यही कहते हैं कि जी बलूचिस्तान को जो है हम तरजीह देंगे। तो हमारे साथ उनके साथ बातचीत जारी है और हम इंशाल्लाह ताला हम जो हैं उनके साथ अगले आने वाले साल में या रवां साल में एक अच्छी पेशरफ्त होगी और अपने जो बलूचिस्तान की बड़ी बड़ी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे हम कराएंगे। और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स अनअप्रूव्ड थे उसमें हमारी कोशिश होगी फेडरल गवर्नमेंट से हम बात करें, जो स्कीमात इकनिक के फोरम पे जा रहे हैं वहाँ पे उनकी मंजूरी चाहिए, उनको जल्द मंजूर करें, और जो स्कीमात जो हैं ऑलरेडी सीएमपी ने अप्रूव किए हैं उनकी एलोकेशन जल्दी यहाँ पर रिलीज़ करें ताकि उन पर जो है जल्द से जल्द काम हो सके। पिछले साल जो एलोकेशन थी बलूचिस्तान की फेडरल पीएचडीपी में कोई 80 बिलियन करीब थी, इस दफ़ा उन्होंने एलोकेशन बढ़ाई है कोई 83 बिलियन कर दिया, डिस्पाइट ऑफ दैट कि उनके भी अपने इशूज़ हैं, उनका कोई हज़ारों में कोई 2,300 बिलियन का जो है डिफिसिट बजट है। कोई उन्होंने एक स्कीम अप्रूव की है 70 बिलियन की कोविड-19 के हवाले से, और 8 अरब की स्कीम जो है सूबाई हुकूमत ने मंजूर की है। उन्होंने हमें ये कमिटमेंट किया कि आप कोविड-19 के हवाले से जितने भी इनिशिएटिव लेंगे फेडरल गवर्नमेंट 50% जो है वो दे देगी। इस हवाले से तो हम खैर उनसे मुतमईन हैं, लेकिन चूँकि हमने सूबे में आपको पता है कि 70 साल से जो है ये सूबा पसमानदा रहा है, यहाँ पर इस पसमानदगी की वजह से एक इंसर्जेंसी जैसी सूरत हाल अब खैर काफ़ी बेहतर हो गई है, हम जो है हमारा सामना कर रहे हैं, हमारा साउथ जो है डिस्टर्ब हो गया है, तो इनको पेसिफाई करने के लिए हमने डेवलपमेंट जो है वो हर सूरत में करनी है। और सूबाई हुकूमत सूबाई पीएचडीपी चूँकि आपको पता है कि 108 बिलियन की है, कोई आधे पाकिस्तान को हम 108 बिलियन में तरक्की नहीं दे सकते, हमने जो है अस्पतालों को भी ठीक करना है, हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, हमने एग्रीकल्चर को बहतर करना है, हमने बाकी डिपार्टमेंट्स को इसी पीएचडीपी में तरक्याती कंपोनेंट में जो है हमें सपोर्ट करना है। तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब पीटीआई गवर्नमेंट वो शुरू दिन से उनका उनके जो है सियासी मैनिफेस्टो भी यही रहा है, उनके जो हैं बातें नैरेटिव जो उन्होंने उस बेस पे उन्होंने वोट लिया है कि हम वो इलाके जो माजी में नज़रअंदाज रहे हैं उन पे हम जो हैं ज़्यादा तवज्जो देंगे। आपकी बात ठीक है, मैं भी इस बात पे एग्री कर लेता हूँ कि लोग जो है रिज़ल्ट देखते हैं, लोग सिर्फ बातों पे यकीन नहीं करते, और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो उन्होंने हमारी स्कीमात अप्रूव की हैं तो हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान प्रायोरिटी पर उनके साथ इस मैटर को टेकअप करेगी कि जो हमारी बलूचिस्तान की ऑलरेडी एलोकेशन है वो हमें पूरी मिल सके। पिछले अदवार में ये होता था कि हमारे पास हमारे लिए एलोकेशन वो रखते थे लेकिन आखिर में जो है वो बलूचिस्तान का शेयर जो है मुख्तलिफ और स्कीमात जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट की तरजीहत होती थी उनमें चली जाती थी। इस दफ़ा हम ये बात जो है मेक श्योर करेंगे कि बलूचिस्तान की जो एलोकेशन है वो बलूचिस्तान सूबे में खर्च हो। इसके अलावा जिस तरह मैंने अब पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट की बात की, इसमें हमारी इस साल कोशिश ये होगी कि हम जुलाई अगस्त तक अपनी जो है तैयारियां शुरू कर दें और फेडरल प्रोजेक्ट्स जो हमने भेजनी हैं उनकी हम प्रॉपर जो है फिजिबिलिटी कराएं, उनकी हम स्टडी कराएं, उनकी हम जो है PC1 जो है सही तरीके से बनाएं और फेडरल गवर्नमेंट के साथ आखिर में जाके एक अच्छा हम बलूचिस्तान का केस पुट करें, और जो इस दफ़ शॉर्टकमिंग्स हैं इस साल पिछले साल उनसे हम कोशिश करेंगे अगले साल उसको जो है हम उनसे ले सकें। इस साल जो है हमने पेंशन के लिए कोई 2 अरब इन्वेस्ट किए हैं और हम इसको मज़ीद बढ़ा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह एक स्पाइक आती जा रही है पेंशन में उसी तरह हम जो है इनिशिएटिव लें और अपनी इन्वेस्टमेंट को मज़ीद वसत दें ताकि इसको हम वक्त के साथ साथ जो है इसको मैनेज कर सकें। जहाँ तक देखिए आपने कोई 64.522 बिलियन हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है जिसमें 9.655 हमें जो है प्रॉफिट मिला है। पेंशन के लिए हमने कोई 15 बिलियन अब तक जो है इन्वेस्ट कर चुके हैं और इसको हम जो है मज़ीद 10 साल बढ़ा रहे हैं। इस दफ़ा भी हमने 2 बिलियन जो है बढ़ा दिए हैं। तो ये हर स्लोली एंड ग्रेजुअली जब भी पेंशनर्स के जो पेंशन हमारे बढ़ते जाते हैं उसी तरह हम हर साल जो है हमने एक नॉन डेवलपमेंट कंपोनेंट में पेंशन के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तो इसको हम मैनेज कर लेंगे। दूसरी बात है कि आपने हेल्थ और एजुकेशन की बात की, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है इतना अच्छा नहीं रहा है। हमने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करें। कोई 8 के करीब DHQs हम अपग्रेड कर रहे हैं, टीचिंग हॉस्पिटल बना रहे हैं, उनको उनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं पोस्टों के हवाले से बजट के हवाले से वो भी हम दे रहे हैं। फातिमा जिना चेस्ट हॉस्पिटल को जो है हमने इंस्टीट्यूट कंपनी उसको
उसका जो है क्या अमल में लाए हैं इस दफ़ा बजट में, इसी तरह भी बाकी इनिशिएटिव ले रहे हैं। जहाँ पे आपने एजुकेशन की बात की उस पे भी हमारा काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है, हमने उनके जो है डीडीओ कोर्स बेहतर किए हैं, हमने बजट जो है डिसेंट्रलाइज किए है, कॉलेजों के बजट में जो है बेपनाह हमने इजाफा कर दिया है ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो डेफिनेटली ये जो है इसका जो है फार रीचिंग इम्पेक्ट होगा हेल्थ और एजुकेशन पर। और ये नहीं कि हम जो है ये 40% हमने हेल्थ में बढ़ाया, 11% हमने एजुकेशन में बढ़ाया, इस तहत तक हम खुश हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट करा के रहेंगे और इसको हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी बेहतर होगा, हमारा एजुकेशन का निज़ाम भी बेहतर होगा, हमारे स्कूल भी बेहतर होंगे। 100 के करीब स्कूल जो हैं उन पर हमने जितने भी ज़रूरियात हैं उनकी लेबॉरेटरी, उनकी साइंस लैब, उनकी बाकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरी करने के लिए हमने एक बजट रखा हुआ है, उनको भी करेंगे, हमने अपग्रेडेशन भी जो हैं रखी हुई हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बेहतरी आ जाएगी। के जी मेरा और वज़ीर आला साहब का आपने नाम लिया, मैं आपको मैं पिछले साल मैं आपको वाशक जो है अपोजिशन एम पी है वहाँ 58 जो है करोड़ वहाँ पर लोकेशन थी, इसी तरह खारान उसकी 1 अरब से ऊपर अलोकेशन थी, पशीन अपोजिशन के हल्का है वहाँ पे 3 MPAs हैं उधर उसकी अलोकेशन कोई 1 अरब 76 करोड़ समथिंग लाइक दैट, फिगर्स बुजुर्ग साहब बेहतर जान सकते बता सकते हैं। खुशदार इसी तरह कोई 2 अरब के करीब जो है उनकी अलोकेशन थी। देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अभी अभी मैं मेरा जो है हल्का बॉर्डर पर आता है, ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे फेंसिंग हो रही है, वहाँ पे जो है काम भी हो रहा है। अगर वहाँ पे अब लोगों की हमारी जितनी भी ज़रूरत है वो बॉर्डर पे जो है होती है, वो ढकी छुपी बात नहीं है, लोग जो है वो बायलेटरल ट्रेड करते हैं वहाँ पे, तो उनका जो है रोज़गार चलता है। फेंसिंग की वजह से वहाँ पे मतलब माशिया वाले से एक जो है लोगों को प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी, तो उसके हवाले से अगर एक सड़क डाली जाए या जो है बॉर्डर पर खोल दिया जाए, अभी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि कुछ 13 बॉर्डर मार्केट्स जो हैं इस्टेब्लिश करें ईरान के बॉर्डर से लेके यूरोप तक, ठीक है, अब उनके लिए सड़कों की भी ज़रूरत होगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान उनको सड़कें बना के नहीं देगी तो वहाँ बॉर्डर मार्केट्स कैसे इस्टेब्लिश होंगे? और ये जो एक हमारी एक मशियत का एक हिस्सा जो है वो स्मगलिंग पर डिपेंड करता है, अगर स्मगलिंग को आप लीगलाइज करें, आप उसको जो है एक बेहतर तरीके में एक निज़ाम के तहत ले जाएं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी टैक्स मिलेगा, ये स्मगलिंग भी ठीक हो जाएगी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। तो उस हवाले से अगर एक बड़ी सड़क की ज़रूरत होगी या जो है बड़े इनिशिएटिव की ज़रूरत होगी तो इसमें अगर PSDP में आ गया तो इसको एक और रंग देना मुनासिब नहीं है। मैं इसकी मज़ीद वजाहत करूँ, अभी जो 65 लाख करोड़ है 65 बिलियन का है फेडरल गवर्नमेंट ने दिए, गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने उनसे लिए, ठीक है, 10 अरब इस साल की एलोकेशन है। इसी तरह ज़ियारत क्वेटा ड्यूलाइजेशन है कुछ 6 अरब की है, इसी तरह दुखी चमालांग है, अच्छा खारान यकमच रोड है फेडरल गवर्नमेंट ने दिए, गवर्नमेंट पैसे जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने दिए, गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने रिकमेंड किए, ठीक है, वहाँ पर एक बड़ी सड़क बन रही है। इसी तरह साउथ की जो है ट्रांसमिशन लाइन है। देखिए हम डेवलपमेंट को एरिया वाइज या इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करें, हम डेवलपमेंट को नीड बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर मकरान में साउथ में वहाँ पे अभी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है मकरान की नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक नहीं है तो उसके लिए वहाँ पे 300 MW की जो है पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, चाइनीज़ बना रहे हैं, उन्होंने पहला ही कंडीशन लगा दिया है कि जी आप जो हैं अगर नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक करेंगे तो हम आगे मजीद काम करेंगे, तो वो हमारी ज़रूरत बन गई। अगर चलो 12-15 अरब जो है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रख दिए हैं तो इसमें हम इस बात को ना देखेंगे जी मकरान जो है नेशनल ग्रिड से मुंसलिक हो रहा है और उसके लिए 15 अरब रखे हैं, इसको हम इस चीज़ से ना देखेंगे जी जॉब कुचला के लिए 65 अरब की जो है एक स्कीम आई है, हम इसको इस हवाले से दें कि वहाँ पर जिस एरिया में ज़रूरत है, आप शायद वहाँ पर बॉर्डर में गए हैं, वहाँ पर बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ग्वादर से ले कर तुरबत, तुरबत से ले कर पंजगूर, पंजगूर से ले कर आपका जो है दालबंदेन, इसी तरह फिर आप आएँ जॉब चमन, ये सारे जो हैं बॉर्डर पे लगते हैं, तो अगर उन डिस्ट्रिक्ट में आप सड़कें नहीं बनाएंगे वहाँ पे लोग जो हैं बंद हो जाएंगे। पहले कारोबार जो अफगानिस्तान के साथ होता था, साउथ में जो है कारोबार ईरान के साथ होता था, अगर फेंसिंग हो गई लोगों का रोज़गार क्या मत बनेगा? तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने मुस्तकबिल को देखते हुए लोगों के रोज़गार को देखते हुए उसे जो है बॉर्डर मार्केट्स का बनाने का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक जॉइंट वेंचर करे, बॉर्डर मार्केट्स बना रही है, उसमें एक
एक बात उन्होंने डाल दी कि जी अगर बॉर्डर मार्केट्स आप लोग बनाएंगे तो आप लोग सड़कें बनाएं, नंबर एक। नंबर टू, आप बिजली वहाँ पे ले जाएं। तो ये तो गवर्नमेंट एक कमिटमेंट है तो वो पूरी करनी पड़ेगी। तो इसी हवाले से आप, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप डेवलपमेंट को हमेशा नीड पे, नीड बेस पे देखें। अगर क्वेटा में हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो हम कहेंगे नहीं, क्वेटा में अगर हमें एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ क्वेटा सिटी में पूरी हो सकती है। तो कल मैं कहूँ कैंसर हॉस्पिटल तुरबत में बन जाए, वहाँ पे आपको डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, या कैंसर हॉस्पिटल किसी और बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में बन जाए, वहाँ पे आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। जहाँ पे आपकी, जिस शहर में आपकी ज़रूरत हो, उस शहर में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जो है इंटरवेंशन करे। तो इसको हम इस बेस पर देखें। एक चीज़ जो बार बार हम देखें, ये बात आपने नहीं की, बात मुख्तलिफ जगहों पे मैंने सुनी है, बार बार हम इसको कह रहे हैं कि जी फलाना रह गया, फलाना नहीं रह गया। आप आएँ, हिसाब लगाएं कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सी जगह जो है वो उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान ने कहा है कि जी ये डिस्ट्रिक्ट चूँकि उसका नुमाइंदा ट्रेजरी बेंच से ताल्लुक नहीं रखता है, हम उसको जो है अबंडन कर देते हैं। अभी गवादर है, गवादर में जो है सीपेक के हवाले से अरबों खरबों के काम हो रहे हैं। कोई तकरीबन, अगर मैं आपको गिनवाता चलूँ, कोई 100 अरब के ऊपर एयरपोर्ट, बशमूल एयरपोर्ट आपका वेस्टर्न फिश हार्बर है। इसी तरह वहाँ का कॉलेज जो है, हॉस्पिटल अपग्रेड हो रहा है 4 बिलियन से। इसी तरह और भी वहाँ पे सीपे के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हैं, 100 अरब से ऊपर हैं। तो कल हम ये कहें कि जी गवादर में 100 अरब क्यों सीपे के लगे हुए हैं। गवादर फ्लैगशिप है, वहाँ पर पोर्ट है, तो वहाँ पर लोगों की ज़रूरत भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर गवादर में एयर पोर्ट ग्वादर में बन रही है और एयरपोर्ट हम कहेंगे मैं जाके बुलेदा में बना दूं, कि बुलेदा को भी अपने करना है। तो देखिए डेवलपमेंट को एक दूसरे से कोरिलेट होता है। और नीड बेस पे हम देखें, हमें जहाँ पे देखें बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी, उसी तरह हम अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी उसी तरह बनाते जाएंगे।